अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चिकन आधा किलो, बासमती राइस आधा किलो, ये 10 मिनट मैंने पहले भिगो दिए हैं बॉईल करने के लिए। प्याज चाहिए 2 अदद दरमियाने साइज़ की, टमाटर 2 अदद, दही 1 कप, हरी मिर्चें इस शेप में काट लें, पुदीना चाहिए थोड़ा सा, लहसुन अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च 1½, इसे भी चॉप कर लें, लौंग चाहिए 9 अदद, सूखी मेथी 1 टीस्पून, काली मिर्च साबित चाहिए 15 अदद, जीरा 1 टीस्पून भर के, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, जायफल जावित्री 2 चुटकी, दालचीनी चाहिए 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 3 अदद और 1 बड़ी इलायची चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, जर्दा राम 1/2 टीस्पून, केवड़ा वाटर 1 टीस्पून, लेमन 1/2 काफ़ी है, हरा धनिया ये भी थोड़ा सा चाहिए, देसी घी 1 कप। ऑयल में भी पकाया जा सकता है लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम पैन में घी डालेंगे, थोड़ा सा घी बचा लेंगे। अब हम इसमें लौंग और ये हरी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, काली मिर्च, जीरा और सूखी मेथी डाल देंगे। ऑयल गर्म होने पर प्याज भी साथ ही डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे प्याज को घी से निकाल लेंगे। अब उसी घी में हम चिकन डाल देंगे। चिकन को भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह पकाएंगे। चिकन का भी हल्का सा गोल्डन रंग आ गया है, हल्की सी फ्राई करके अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी घी में हम लहसुन अदरक पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही इसके
चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। इसको 5-10 मिनट पकाना है अच्छी तरह, लहसुन अदरक को और हरी मिर्चों को। लहसुन अदरक 10 मिनट पकने के बाद हम इसमें दोबारा चिकन डाल देंगे। और साथ ही दही डाल देंगे। टमाटर पुदीना हरा धनिया और साथ ही मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, जायफल जावित्री, नमक, लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही जो हमने प्याज फ्राई की थी आधी प्याज हम इसी में डाल देंगे और आधी रख देंगे। अब इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। अब दूसरे पैन में हम पानी बॉईल करेंगे। पानी बॉईल होने पर एक टीस्पून भर के नमक डालेंगे। और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इस बॉइल पानी में हम चावल डाल देंगे। चावलों को हमने 80% पकाना है और 20% कच्चा रखना है, यानी 3 कनी पकानी है और 1 कनी कच्ची होनी चाहिए। चावल बॉईल हो रहे हैं, इधर से चिकन भी साथ साथ बन रहा है, इसको भी देखते रहना है। चावल बॉईल हो चुके हैं, ये देखें। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। चिकन भी पक चुका है, अब हम इसमें लेमन डालेंगे।
दो तीन मिनट खाने के बाद। चिकन तैयार हो चुका है, अब हम इसे दम पर लगाएंगे। अब पैन में सबसे पहले हल्का सा देसी घी डालेंगे, एक चम्मच। अब आधे चावल की तह लगा देंगे। चिकन डाल देंगे। सारा चिकन डाल देंगे इस पे। इस तरह फैला देना है इसे। अब इसके ऊपर दूसरी तह लगा देंगे चावलों की। दूसरी तह लगाने के बाद तो घी हमने बचाया था, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह फैला देंगे। प्याज फ्राई की हुई डाल देनी है ऊपर। थोड़ा सा हरा धनिया और हरा पुदीना। हरी मिर्चें जो हमने काट कर रखी थी वो लगाएंगे। अब जर्दा रंग में हमने ये केवड़ा वाटर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस तरह एक कोने में डाल देंगे और दूसरे कोने में डाल देंगे। अब इसे अल्मीनियम फॉइल रख के इसे बंद कर देंगे। पहले आग को तेज करना है, उसके बाद 15 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। फिफ्टीन मिनट दम देने पर अब हम इसे खोलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त दम आ चुका है। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। इसमें एक अल्मोनियम ट्रे रखेंगे। कोयला आपने पहले आग पे अच्छी तरह इसको जला लेना है, फिर इसके अंदर रख कर हल्का सा ऑयल डालकर इसको दोबारा 5 मिनट के लिए मजीद दम देना है। पांच मिनट कोयले का धुआं देने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब बिरयानी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चावल देखें कितने अच्छे और ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अच्छी
अच्छी तरह इस तरह करके मिक्स करने हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिरयानी मैंने सर्विंग डिश में निकाल ली है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।